हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीमास कुक बुक। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही चटपटी और टेस्टी सी मसाला भिंडी की रेसिपी, एकदम रेस्टोरेंट या ढाबा स्टाइल। इसको हम बनाएंगे, बहुत कम मसालों में इसको बनाने वाले हैं और आपको बेहद पसंद आने वाली है ये रेसिपी। तो फटाफट से, अगर आपको भिंडी पसंद है तो एक बार ये मसाला भिंडी को ज़रूर ट्राई करना। तो चलो फटाफट स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ ऑयल के अंदर लिया है मैंने भिंडी, जिसको मैंने अच्छे से चेक कर लिया है कि इसके अंदर कोई कीड़ा वगैरह नहीं हो, और अच्छे से इसको हम लोग को फ्राई कर लेना है ऑयल के अंदर हल्के हाथ से, जिससे ये एकदम अच्छे से सॉफ्ट नहीं हो जाती तब तक हम लोग को इसको फ्राई करना है। और फिर उसके बाद में इसको हम लोग निकाल लेंगे। फिर उसी कढ़ाई के अंदर मैं डाल रही हूँ ऑयल, इसी के साथ थोड़ा सा जीरा, हींग ऐड करनी है हम लोग को। एक बार इसको हम लोग अच्छे से मिक्स करेंगे। फिर उसके बाद में यहाँ पर मैं ले रही हूँ हरी मिर्ची और लहसुन, इसी से सब्जी बहुत ज़्यादा अच्छी बनेगी। और अच्छे से इसको हमें पका लेना है। लहसुन या प्याज नहीं खाते तो स्किप कर सकते हैं, बाकी सेम वैसे ही आपको बनाना है। और अब यहाँ पर मैं ले रही हूँ प्याज, और अच्छे से इसको भी एक बार हम लोग को मिक्स कर लेना है। बहुत ज़्यादा टेस्टी लगने वाली है ये सब्जी। और अब इसके अंदर डालेंगे हमारे रेगुलर मसाले, तो हल्दी पाउडर, इसी के साथ थोड़ा सा लाल मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर डालेंगे और अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। और अब यहाँ पर मैं ले रही हूँ कद्दूकस किया हुआ टमाटर। तो मैंने बहुत बड़ी साइज़ का टमाटर लिया था, जिसको मैंने कद्दूकस करके लिया है। अगर आप को खट्टा हल्का सा पसंद है तो दो टमाटर ज़रूर ले। इसी के साथ डालेंगे नमक, तो मैंने नमक पहले इसीलिए नहीं डाला था क्योंकि मुझे टमाटर के साथ में ऐड करना था। और अच्छे से इसको मिक्स कर लिया यहाँ पर, और आप देख सकते हैं कि ऑयल भी इसमें से सब्जी में से अलग हो गया है। तो एक बार इसको अच्छे से मिक्स करेंगे फिर से, और फिर उसके बाद में इसके अंदर हम डालेंगे हमारी भिंडी। तो यहाँ पर मैंने एकदम अच्छे से इसको चला लिया है। प्याज भी हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं और सब्जी में भी अच्छा ऑयल साइड में होना स्टार्ट हो गया है। तो अब यहाँ पर मैं डालूंगी इसके अंदर भिंडी, जिसको हमने फ्राई करके लिया था। फ्राई करके भिंडी अगर आप लेते हो तो भिंडी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है सब्जी। तो अच्छे से इसको एक बार हम लोग को कर लेंगे मिक्स। और अगर आप चाहो तो यहाँ पर इसके अंदर क्रीम भी ऐड कर सकते हो, और अगर एकदम आपको और ज़्यादा पसंद है तो काजू को भिगोकर आप उसका पेस्ट बनाकर भी इसके अंदर ऐड कर सकते हो। और अच्छे से मिक्स करने के बाद में इसके अंदर हम लोग डालेंगे थोड़ा सा पानी, तो जिसके अंदर मैंने हरी मिर्ची और लहसुन को कूट कर लिया था उसी के अंदर मैंने थोड़ा सा पानी ऐड करके वो इसके अंदर ऐड कर दिया है। और अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे एक बार। तो ये हमारी यहाँ पर अच्छे से मिक्स हो गई है। फिर से इसको एक बार हम लोग कवर करके ऐसे ही पका लेंगे। तो यहाँ हमारी सब्जी बनकर एकदम तैयार हो गई है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरी मसाला भिंडी की रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करना। कमेंट करके बताना आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है। अगर आप कोई मेरी रेसिपी को ट्राई करते हो तो आपको कैसी लगती है वो भी मुझे कमेंट करके बताना। फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। थैंक यू, इंजॉय।